बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए थे तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कुछ एक्सपीरियंस को बता रहे थे। उनका विषय इकोनॉमिक्स ही था, तो उस दौर के कुछ ऐसे लोग भी वहां मौजूद थे जिन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार मिला इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। कुछ ने सवाल किए, कुछ ने कुछ फैक्ट्स पर उंगली उठाई। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, अगर फैक्ट सही ना हो तो मैं इस विषय को छोड़ दूंगा। और हमें ऐसा लगता है कि आप जब कोई बात करें तो वो तथ्यों के साथ करें। हम जिन चीजों का जिक्र आज आपसे करने वाले हैं वो बाबा साहब अंबेडकर की जो राइटिंग एंड स्पीचेस है, जो अलग अलग खंडों में प्रकाशित हुई है, उसमें जो लिखा गया है कमोवेश उसी का एक हिस्सा है, जिसे मौजूदा वक्त से जोड़ने की जरूरत भी है। और 1956 के बाद से 2022 में जब हम खड़े होते हैं तो उन्हें किस दृष्टिकोण से देखा जाए, समझा जाए, और एक लकीर खींचने की कोशिश जरूर कीजिएगा। भारत की हर राजनीतिक सत्ता बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से घबराती क्यों है? वो नेहरू की सत्ता हो या मौजूदा वक्त की सत्ता हो, घबराती रही है। वजह क्या है, आज हम इसे टटोलने की कोशिश करेंगे। भारत मंच पर विराजमान तमाम जो सीनियर बैंक के अधिकारी हैं और सामने जो तमाम SBI का पूरा परिवार है, और नागपुर का मतलब बाबा साहब अंबेडकर की मौजूदगी का एहसास और उनके विचारों के आश्रय, शायद उस अनुभव को जीना है जिस अनुभव को हमने पूजना तो शुरू कर दिया लेकिन उन विचारों से दूर होते चले गए। और ये एक बड़ा सवाल है, कोई ऐसा शख्स, वामपंथियों की भाषा में कहेंगे तो सर्वहारा में सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ शख्स, सामाजिक तौर पे परखेंगे तो भारत के समाज के भीतर में जो आखिरी पायदान नहीं बल्कि हाशिए पर जो तबका धकेल दिया गया वहां से निकला हुआ शख्स, एक ऐसा शख्स जो वायसराय की काउंसिल का सदस्य भी बन जाता है, एक ऐसा शख्स जो भारत के संविधान निर्माता के तौर पर जिनकी पहचान भी हो जाती है, एक ऐसा शख्स जो संविधानवाद के चौखटे के भीतर काम करते हुए वह बार बार पूंजीवादी लोकतंत्र का खोखलापन दिखलाते भी है। वह चौखटा, उस जो संविधानवाद का चौखटा है जिसको संरचना भारतीय राजनीतिक सत्ता करना चाहती थी, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे होना चाहिए इसका स्वप्न भी वह देखते हैं और दिखाते हैं। राजनीतिक समानता को वह स्वतंत्रता नहीं मानते हैं, वो आर्थिक समानता का जिक्र करते हैं और आर्थिक विषमता के दूर ना होने पर पीड़ित जन इस लोकतंत्र की इमारत को धराशायी भी कर सकता है। यह बात उनके उस राइटिंग एंड स्पीचेस के हर पन्ने पर उभरती हुई आपको दिखाई देगी। सवाल यह है कि बाबा साहब अंबेडकर को देखें कैसे? क्या उनको यह मान लें कि वो विधि विशेषज्ञ थे, अर्थशास्त्री मान लें, इतिहास विवेचक मान लें, धर्म और दर्शन को लेकर उस शख्स की पहचान अंतरराष्ट्रीय तौर पर है इसे मान लें, विवेकवादी मान लें, वैज्ञानिक मान लें, क्या मान लें? यह सवाल इसलिए है क्योंकि जिस वक्त वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए तो जो पहला सेमिनार पेपर था उनका, उसमें जिस शख्स ने उनको इंट्रोड्यूस किया, अब आप सोचिए हम आपको कितनी पहले ले गए हैं, और भारत में उनको लेकर जिक्र जब होता है तो संविधान निर्माता के तौर पर ही होता है, और उस समय ना भारत को आजादी मिली थी, ना नेहरू ने कोई प्रस्ताव भेजा था कि भारत के संविधान को लेकर आप कैसे क्या करेंगे, वह तो एक छात्र के तौर पर थे। लेकिन देखिए उसमें एक लाइन में जिक्र है जो बाबा साहब अंबेडकर का परिचय दिया जाता है, लिबर्टी,
इक्वेलिटी, फेटर्निटी, फेमिनिज्म, कास्टिज्म, पार्टीशन, फाइनेंस, पोलाइटी, पॉवर्टी, एंथ्रोपोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन। और मेरे ख्याल से बाबा साहब अंबेडकर जिस कालखंड में आए, उस कालखंड में आपको महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल सब निकलकर आपके सामने आंखों में तैरने लगेंगे। लेकिन फिलोसफिकली और इंटेलेक्चुअली और सही मायने में भारत के अर्थशास्त्र को भारत की जनता से जोड़ने का प्रयास और उसको कागज पर उतारते हुए इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनकी तमाम राइटिंग्स में ये बात खुले तौर पर निकल कर आती है। एक सवाल बार बार आता है, अगर बाबा साहब अंबेडकर यकीनी तौर पे भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। इस सवाल को लेकर बहुत चर्चा हुई और जब जब भारत के सामने संकट आया है, वो संकट इंडियन सोशलिज्म का हो सकता है, वो संकट इंडियन गादिज्म का हो सकता है, वो संकट पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर हो सकता है, वो संकट मंडल और कमंडल के दौर में भी उभरा था, और वो संकट मौजूदा वक्त में जब बैंकों को बेचने की प्रक्रिया में सरकार लाकर देश को खड़ा कर चुकी है, तब भी उनकी इकोनॉमिक्स को लेकर कुछ सवाल बार बार फिलोसफिकली इस देश नहीं दुनिया भर में उठ रहे हैं। क्या भारत की नींव में कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जो राजनीतिक तौर पर प्रभावित कर रही थी? और बाबा साहब अंबेडकर जिन बातों को राइटिंग में, सवाल यह नहीं है कि उनके भाषणों का जिक्र है, सवाल यह है कि कागज पर जो दस्तावेज के तौर पर दर्ज है, अगर उस फिलॉसफी को आत्मसात कोई व्यक्ति कर सकता था तो वह बाबा साहब अंबेडकर कर सकते थे, ये एक फैक्ट है। और दूसरा फैक्ट है तो दूसरे लोगों ने क्यों नहीं किया? जो छोटे और सीमांत किसानों का अभी हम जिक्र करते हैं ना, मौजूदा वक्त में जब प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं और किसान सम्मान निधि का जिक्र करते हैं, तो जो लैंड होल्डिंग है और एग्रीकल्चर को कैसे कोऑपरेटिव से भी जोड़ना है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैरेलल में एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी, इसको लेकर भी बाबा साहब अंबेडकर उस दौर में जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस दिशा में आपको बढ़ना चाहिए। और उन बातों का जिक्र आज की तारीख में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो गाहे बगाहे कुछ चेहरों और कुछ शब्दों के जरिए उस फिलॉसफी का जिक्र निकलकर जरूर आया जो पंजाब के किसानों ने किया। यकीनन जिक्र हम कहां 60-70 साल पुरानी परिस्थिति को लाकर मौजूदा वक्त से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये होता है कि आज की तारीख में जब हम आपसे कोई बात करें और भविष्य में वही चीजें परिलक्षित होने लगे, क्या हमारे पास कोई ऐसा नेता है मौजूद, उसने सोचा है क्या? या जिस काल में नेहरू ने जो भी पॉलिसी डिसीजन लिए, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा जरूर दिया, इंदिरा गांधी ने भी अपने तौर पर नेशनलाइजेशन किया है, जनता पार्टी की सरकार तो अपने में उलझी रही, लेकिन इस सफर पे जब आप चलेंगे तो आप एक चीज हमेशा जहन में रखिए, क्या किसी ने आर्थिक समानता की बात की? और नहीं की तो क्यों नहीं की? बहुत ही फैक्टफुली बाबा साहब अंबेडकर अपनी राइटिंग्स में इस बात का जिक्र करते हैं। और जो संकट भारत के सामने जब पहली बार आया था इकोनॉमी का 1991 में, और उस समय पीवी नरसिम्हा राव ने जब रुपए का डिवेल्यूशन किया था, और मौजूदा वक्त में हम लोगों ने डीमोनेटाइजेशन देखा, नोटबंदी का दौर भी देखा, और बार बार एक सवाल भी उठता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी डॉलर है और पेट्रो डॉलर के आगे तो कुछ चीजें चल नहीं पाएंगी। तो कौन सी स्थिति थी जो बाबा साहब अंबेडकर उस समय कह रहे थे कि अपनी करेंसी को आप कागज के पन्नों से मत जोड़िए, उसको गोल्ड से जोड़ने की कोशिश कीजिए? क्योंकि 1950 में जो आप 10 ग्राम सोना खरीदते थे, 1991 में जो 10 ग्राम सोना खरीदते थे, और आज जो 10 ग्राम सोना खरीदते हैं, उस वक्त रुपए की वैल्यू 91 में रुपए की वैल्यू और आज की रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले ही सही,
तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर जान रहे थे कि ये जो अंग्रेजी परस्त होकर या ब्रिटिश परस्त होकर हम जो कागज की अर्थव्यवस्था की दिशा में जा रहे हैं वो आने वाले वक्त में चंद हाथों में सिमटती चली जाएगी, और जिसके हाथ में रुपया भी होगा उस रुपए की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि फिर उसने जो 10 साल पहले कमाया होगा 10 साल के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। कमाल की समझ है उस वक्त को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखना आप शुरू कीजिए। गोल्ड से करेंसी को जोड़ने की सोच भारत में क्यों नहीं आ पाई? 47 टन सोना 1991 में बैंक ऑफ इंग्लैंड भेजा गया था, जिसके बाद $400 बिलियन भारत में आया और इकोनॉमी को उस पटरी पर ले जाने का प्रयास किया गया, और आई भी, मार्केट इकोनॉमी आ गई, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गया। लेकिन बार बार लौटिए उस शख्स के पास, जिस शख्स को आप याद करते हैं और नागपुर में बार बार महोत्सव की तरह मनाते हैं हम लोग। आखिर उनके जहन में ये सवाल क्यों था कि आने वाले वक्त में भारत एक ऐसी परिस्थिति में आ सकता है जहां पर जिस तबके के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं उसकी परिस्थितियां मजलूम और गुलाम की तरह हो जाएगी? इसका वैकल्पिक शब्द आप वोट बैंक भी कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया है। वो क्यों कह रहे थे कि राजनीतिक तंत्र में हिस्सा लेने भर से काम नहीं चलेगा, उस तंत्र को आपको संभालना होगा। पॉलिटिकल पार्टी बनाइए और उस तंत्र को आर्थिक समानता से जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। क्यों कह रहे थे वो? क्या उनको पता था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया फेल हो जाएगी, मायावती फेल हो जाएगी, इस देश में 21 पॉलिटिकल पार्टीज है जो दलितों के नाम पर चलती है, उनका कोई महत्व नहीं बचेगा और उसी राजनीतिक सत्ता के सामने वो पॉलिटिकल पार्टी नतमस्तक हो जाएगी? उस समय क्या वो जान चुके थे? एक बड़ा सवाल है। हम एक ऐसे शख्स को याद करना चाहते हैं जो शख्स 1930, 1940, 1950, 1960 के शुरुआती दौर तक में अपनी और दीक्षा भूमि में जो उनका भाषण है, उस भाषण को कभी पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ा होगा आपने, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके सामने इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर इतने सवाल उठ जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा ये वो शख्स है जो संविधान निर्माता है और बता रहा है, और आखिरी भाषण में उसने जिक्र भी कर दिया अगर लागू नहीं करोगे तो ये कागज के पन्ने में तब्दील हो जाएगा और ये स्थिति आ गई, इतनी जल्दी आ जाएगी? उनके आखिरी भाषण में ये जिक्र है, अगर इंप्लीमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं किया गया लोग इसे कागज का पन्ना मानेंगे। बड़ी मुश्किल सवाल है ये, हम किस स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं। उनका धर्म से भक्ति को लेकर भी संवाद है और राजनीति से भक्ति को लेकर भी उनका संवाद है। वो बताते हैं कि आस्था क्या होती है और आस्था का शुद्धिकरण धर्म में भक्ति के साथ कैसे उभरता है और राजनीति में भक्ति कैसे तानाशाही और करप्ट बनाती है, इसका जिक्र भी वो उसी समय कर रहे हैं। हम लोग तो मौजूदा वक्त में सिर्फ एक मूक दर्शक के तौर पर चीजों को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति तो कल्पना के परे है कि कौन, हमें नहीं याद आता है कि कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से चीजों को बता पाए, या वो वाकई, हमें लगता है कि जो उनकी स्पीचेस एंड राइटिंग का जो पूरा का पूरा खंड है उसको भारत के भीतर में पॉलिटिकल साइंस नहीं बल्कि इतिहास के छात्रों को भी अगर पढ़ने दिया जाए और कहा जाए और यूनिवर्सिटीज और कॉलेज और देश की जितनी लाइब्रेरीज है वहां पर रखकर उसको एक सब्जेक्ट का हिस्सा बना दीजिए तो देखिए नई पीढ़ी कैसे तैयार होती है। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की महत्ता और उसकी ताकत क्या हो सकती है, इसका जिक्र वह आजादी से पहले कर भी रहे हैं और आजादी के बाद बता भी रहे हैं, लेकिन वो डर भी रहे हैं जो राजनीति भारतीय समाज को अपनी राजनीतिक बिसात पर प्यादा बनाने के लिए तुली हुई है। खुले तौर पर इसका जिक्र वो अपने राइटिंग्स में करते हैं। हम लोग संविधान का पाठ कर रहे थे, संविधान कहां पर है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और
अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियत तथा समर्पित करते हैं। हमसे पहले भी इसका पाठ किया गया, बाबा साहब अंबेडकर ने भी इसका पाठ किया था, और फिर उसके बाद उन्होंने यही लाइन कही थी, याद रखिएगा, जो लिखा जा रहा है उन शब्दों पर इस देश को चलाने की हिम्मत राजनीतिक सत्ताओं में होनी चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो ये कागज के पुर्जे की तरह खो जाएगा। क्या इस स्थिति में हम लोग सोचना कुछ चाहते हैं? पिछले दिनों CAA और NRC का जिक्र किया गया, अब आप सोच कल्पनेसी का जिक्र किया गया, अब आप नागरिकता का सवाल है। ये संविधान के भीतर नागरिकता को चार शब्दों में बखान किया गया, चार लाइनों में इस बात का जिक्र किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जो प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा, भारत का नागरिक होगा। पूरे माइनॉरिटी कम्युनिटी में ये CNRC आया तो हड़कंप मच गया, दस्तावेज कहाँ से लाएंगे, क्या दिखाएंगे, ये दस्तावेज देखेगा कौन? और जो देखने वाला शख्स है, क्या हम उसके धर्म और उसकी जाति पर सवाल उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि सत्ता का मतलब संविधान की शपथ लेकर कानूनी तौर पर कार्रवाई करना है, और संविधान अगर कानून को लागू कराते वक्त गायब हो जाए तो जिम्मेदारी लेगा कौन? यह सवाल झटके में पार्लियामेंट के भीतर भी गायब हो गया और झटके में सड़क पर आंदोलन करने वाले लोगों के बीच से भी गायब हो गया। ध्यान दीजिए, हम लोग धीरे धीरे अभ्यस्त हो रहे हैं और इस अभ्यस्त होने की प्रक्रिया में हम तो आज कह रहे हैं 2022 में बाबा साहब अंबेडकर इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और इस पार्लियामेंट को लेकर जो सवाल उठाते हैं, इसकी शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं, उस समय से भी कर सकते हैं जब साइमन कमीशन भारत आया था 1927। भारत के भीतर में जो संवैधानिक सुधारों की संभावनाओं को टटोलने के लिए वो आया था, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे आपके जहन में होंगे, लेकिन क्या आपको पता है उस साइमन कमीशन के सामने बाबा साहब अंबेडकर क्यों खड़े हो गए थे? उन्होंने बकायदा इसको जिक्र किया, डॉक्यूमेंटेड जिक्र है इसका, राइटिंग एंड स्पीचेस के खंड 3 के पन्नों पर जाइए, जो 101 पन्ना है, उसमें पेज 13 और 14 में जिक्र है इसका। अंबेडकर कहते हैं साइमन कमीशन से, क्या कहते हैं, दलितों का अल्पसंख्यक रूप में अब तक इसलिए छिना रहा है, दलितों का अल्पसंख्यक रूप अब तक इसलिए छिना रहा है कि वे हिंदू समाज में गिने जाते थे। वास्तविकता यह है कि हिंदू समाज और दलितों को जोड़ने वाली कोई कड़ी नहीं है। जिस आधार पर अल्पसंख्यक मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसी आधार पर हम अपने लिए भी प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। बालिक मताधिकार का चलन हो तो हम अपने लिए आरक्षित सीटें चाहते हैं। साइमन कमीशन कहता है यदि बालिक मताधिकार का चलन ना हो तो बाबा साहब कहते हैं तब हम पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करेंगे, इसके सिवा हम सुरक्षा के कुछ और उपाय भी चाहते हैं। तब कमीशन एक और सवाल करता है, कहता है कि क्या आपका कहना है कि ऊंची जाति के हिंदू संतोषजनक ढंग से आपके हितों की रक्षा नहीं कर सकते? बाबा साहब अंबेडकर 1927 में कह रहे हैं, यह एक आधार है, पर वास्तविकता बस यह है कि हम हिंदू समाज के अंग नहीं है। और इसको वो 1956 में दीक्षा भूमि में दोहराते हैं बड़े शालीनता के साथ, और दिल्ली में बैठी हुई राजनीतिक सत्ता से जब इस पर प्रतिक्रिया मांगी जाती है तो वो कहते हैं पार्लियामेंट में जवाब देंगे, और पार्लियामेंट में भी खामोशी बरती जाती है। शब्दों की ताकत है या भारतीय समाज के भीतर के उस समुदाय की ताकत है, जिस समुदाय के भीतर वाकई इतनी ताकत रही और उसकी संघर्षशील परिस्थितियां ऐसी रही जो भारतीय राजनीति को बदलने की ताकत रखता था, और बाबा साहब चाहते थे
कि वह एक ऐसे संगठित राजनीतिक तंत्र के तौर पर खुद को विकसित कर ले, क्या यही बात थी? हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जाएगा, यह स्थिति हो सकती है। क्योंकि बाबा साहब की ताकत को समझना है तो इस बात से भी समझिए कि 13 दिसंबर 1946 नेहरू ने संविधान सभा में जब संविधान के उद्देश्यों के बारे में अपना प्रस्ताव पेश किया, खामोशी बरती हुई थी, कोई खड़ा नहीं हुआ। तब अंबेडकर ने खुले तौर पर उस प्रस्ताव की आलोचना की। 46 का जिक्र हम कर रहे हैं, 13 दिसंबर। उनका कहना था कि समाजवादी के रूप में इनकी जो ख्याति है, वो जिक्र नेहरू जी के बारे में कर रहे हैं, उसे देखते हुए ये प्रस्ताव निराशाजनक है। जिस शख्स के बारे में तय हो चला था वो प्राइम मिनिस्टर होगा, उस शख्स की खुले तौर पर आलोचना उसी सभा में कर रहे हैं, हमें आपका प्रस्ताव ठीक नहीं लगता है। मौजूदा वक्त में किसी में कोई ताकत है ऐसी, क्या खड़ा होकर कह सकता है? इंटेलेक्चुअली कहे, सोसाइटी की समझ के साथ कहे, कोई खड़ा होगा क्या? एक्स वाई जेड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता का जिक्र कर लीजिए, ये मत कहिएगा वो सीबीआई और आईबीसी आईडी से डर रहा है, उस पर मत जाइएगा। लेकिन अब देखिए वो कहते क्या है, ये भी समझिए जरा। मैं आशा करता था, आलोचना करने के बाद उन्होंने जो शब्द कहे वो सुनिए। मैं आशा करता था कोई ऐसा प्रावधान होगा जिसमें राजसत्ता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को यथार्थ रूप दे सके। आशा करता था प्रस्ताव बहुत ही स्पष्ट शब्दों में घोषित करे कि देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय हो, इसके लिए उद्योग धंधों और भूमि का राष्ट्रीयकरण होगा, नेशनलाइजेशन, इंडस्ट्री का भी और जमीनों का भी, जिस पे किसान खेती करता है, उस जमीन को कोई बेच नहीं पाएगा, कोई खरीद नहीं पाएगा, और किसानों को ये हक मिलेगा अपने तौर पर कि वह अगर किसानी कर रहा है तो ये नहीं है कि मार्केट का ऐसा दबाव आ जाएगा जहां पर किसान के सामने कोई अल्टरनेटिव ही नहीं बचा, ये स्टेट का काम है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज कराइए और खुले तौर पर ऐसा प्रस्ताव रखिए। बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं इस बात को, जब तक अर्थतंत्र समाजवादी अर्थतंत्र ना हो तब तक मैं नहीं समझता कोई भावी सरकार जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करना चाहती है वो ऐसा कैसे कर सकेगी। राइटिंग एंड स्पीचेस बाबा साहब अंबेडकर के खंड 5 में 253 नंबर पेज पे ये दर्ज है। इन पन्नों को दोबारा पढ़ने की जरूरत, मौजूदा वक्त में क्या पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए लोग सोच नहीं पाएंगे कि उन्हें पढ़ना चाहिए? घबराते हैं, यकीन जानिए घबराते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी ताकत है उस समुदाय को मिलने वाली, और ये एक ऐसा सिस्टम है भारत के भीतर के उस इकोनॉमिक रिफॉर्म और कैपिटलिज्म के समानांतर जो भारत में, सवाल इस देश में कम्युनिस्टों का नहीं है जिन्होंने सर्वहारा का जिक्र किया या किसानों का जिक्र किया, जी नहीं, उस इकोनॉमी से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब अंबेडकर खुले तौर पर कार्ल मार्क्स को भी चेतावनी देते हैं और लेनिन को भी चेतावनी देते हैं अपने वक्त में, वो इसको कहने से नहीं चूकते हैं कि इसको मत सोचिए कि मजदूर एक वर्ग के तौर पर देख लिया जाए और रोटी की चिंता छोड़ दे, बिना रोटी के मौत इस देश में होती, हमें रोटी की चिंता करनी होगी। बाबा साहब अंबेडकर खुले तौर पर इसका ऐलान करते हैं। तो सवाल है कि जिस विचारधारा को लेकर भारत के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया, उस राजनीतिक प्रोसेस में बाबा साहब के विचारों को क्यों खो दिया गया, और क्या ये एक साजिश किया गया है? और दूसरी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज धीरे धीरे दलितों की पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलाकर, उसे संभाले हुए पॉलिटिकल लीडरों को अपने साथ खड़ा करके क्यों खुश हो जाती है, जबकि आर्थिक तौर पर ज्यादा विपन्नता 1956 के मुकाबले मौजूदा वक्त में दलितों की जनसंख्या के साथ जुड़ी है, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे हायर एजुकेशन का मामला हो। आज भी उनके प्रति जो समाज की नजर है और राजनीतिक सत्ता के कानून के आंख के नीचे, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। एनसीआरबी के डाटा उठाइए, नेशनल क्राइम ब्यूरो के डाटा को उठाइए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा है, वो लगातार बढ़ते कैसे चले जाते हैं, और इस देश में कोई आवाज क्यों नहीं होती है?
जवाब बाबा साहब अंबेडकर से ही आपको मिलेगा, कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर कहने की हिम्मत नहीं करेगा। बाबा साहब अंबेडकर इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर खंड 10 है राइटिंग एंड स्पीचेस का, पेज नंबर 107, 108, 109, 1943 इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की तरफ से एक आयोजित सभा की गई थी, उसमें बाबा साहब को भाषण देना था जिसका जिक्र वो कर रहे हैं और उसका जिक्र उस खंड में आपको दस्तावेज के तौर पर मिल जाएगा। और क्यों हमने जिक्र किया कि पार्लियामेंट घबराती है बाबा साहब अंबेडकर से? कुछ मुख्यमंत्री तस्वीरों को चस्पा कर सकते हैं दीवारों पे, लेकिन विचारों को नहीं आत्मसात करेंगे, ये दिमाग में रखिएगा। 14 अप्रैल कल ही था और कल दिल्ली के अखबारों में इस देश की राजनीतिक सत्ता के जरिए बाबा साहब अंबेडकर की याद में जयंती को लेकर एक एक पेज के विज्ञापन छपे थे और उस विज्ञापन के भीतर में दर्ज था, हमने इतने दलितों को मकान दे दिए, हमने इतने दलितों को ये मदद दे दी, इतना ये दे दिया। हमारे पास एक रिसर्च टीम है, हमने उस रिसर्च टीम से कहा जरा पता तो लगाओ इस देश के भीतर में, अगर पुराना नहीं मिल पाए तो भी बीते 20-30 साल में जितने प्राइम मिनिस्टर हुए सबने दलितों को लेकर जो भी वेलफेयर योजना बनाई है उसके दायरे में भारत के कितने दलित आते हैं, और अगर वाकई वो योजना उन तक पहुंच जाती तो क्या होता। कल जो विज्ञापन छपा दिल्ली के अखबारों में, उस विज्ञापन के दायरे में इस देश के लगभग 12 करोड़ दलितों को तो 5 सितारा जीवन जीना शुरू कर देना चाहिए था। और अगर बीते 30 बरस में तमाम प्रधानमंत्रियों द्वारा किए गए ऐलानों को जब हमारी टीम ने रिसर्च कर निकाला तो आप जानकर हैरत आ जाएंगे, जो प्रति व्यक्ति इस देश की सरकार की जो आय है और जो इस देश का सोशल इंडेक्स है, इन दोनों के एट पार हमारा पूरा दलित समाज को रहना चाहिए था। नागपुर के भीतर बस्तियों में घूमिए, चाहे वो इंदौरा की बस्ती हो या कोई बस्ती हो, वहां की आर्थिक सामाजिक हालत को देखिए और फिर सरकार की नीतियों द्वारा उनको दी जाने वाली राहत की रकम को देखिए और कितनी बड़ी तादाद में उनको क्या दिया जा रहा है। जब सबका गुना भाग करके निकालिएगा तो आपके जहन में एक सवाल आएगा, ये पैसा जाता कहाँ है? जो ऐलान होता है वो इन लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पाता है? या क्या वाकई एक कुएं के समान की परिस्थिति आ गई है जिसमें योजनाएं डालती चली जाएं और कुछ नहीं निकलेगा? ये देश ऐसा है क्या? जी नहीं, ये देश ऐसा नहीं है। इस देश में किन किन तबकों को किस किस रूप में राहत दी गई, और जो राहत उस तबके को दी गई जो कि पूंजी से पूंजी बनाने की कला में माहिर है, उसका नेटवर्थ क्यों बढ़ता चला जाता है? और भारत के भीतर में जो पार्लियामेंट्री होता है वो 5 साल सत्ता में रहता है तो उसका एवरेज लगभग 200% बढ़ जाता है, जबकि भारत के भीतर में एवरेज जो है वो 18% बढ़ता है और दलितों का एवरेज 1.3% बढ़ता है। कौन सी स्थिति है? क्यों हम लोग सवाल नहीं खड़ा कर सकते और पार्लियामेंट के भीतर क्यों ये सवाल खड़े नहीं होंगे? तो हम आपको लिए चल रहे हैं 1943, जिसमें वो जिक्र करते हैं। इस डॉक्यूमेंट में जिसका हमने कहा राइटिंग एंड स्पीचेस में खंड 10 है, पेज 107, 108, 109 है, हर देश में संसदीय लोकतंत्र के प्रति असंतोष क्यों है, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। भारत को सोचना होगा, भारत तो इसी संसदीय लोकतंत्र को पाने की बात कर की जरूरत को कह रहा है, और संसदीय लोकतंत्र से क्या संविधान क्या सावधान रहने का वक्त आ गया है? यानी भारत जिस संसदीय लोकतंत्र की दिशा में बढ़ चुका था आजादी के मद्देनजर, वो 1943 में सवाल कर रहे हैं, सोच लीजिए, सावधान हो जाइए। बड़ा जश्न मना था 1947 में, महात्मा गांधी कलकत्ता के अंधेरे कमरे में बैठे हुए थे, राजगोपालाचारी पहुंचे थे उनके पास, ये कहने के लिए पहुंचे थे बिल्डिंग में रोशनी कर दे क्या? उन्होंने कहा था नहीं नहीं रोशनी मत करो, आजादी मिल तो गई है लेकिन ये जनता तक नहीं पहुंच पाएगी, हमें हम जानते हैं इस बात को। गांधी भी समझ रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर खुले तौर पर बोल रहे हैं, गांधी खुले तौर पर बोलने से इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी से वो जुड़े हैं, राजनीतिक सत्ता को उन्होंने मनन करके प्रधानमंत्री तक मान लीजिए नेहरू को पहुंचाया और जो देश में हुआ, लेकिन चेता रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर, एकमात्र पॉलिटिशियन हिंदुस्तान का जो
चिता रहा है लगातार, लेकिन फैक्ट के साथ चिता रहा है। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हो रही हैं। संसदीय लोकतंत्र इसलिए असफल हुआ कि वह आम जनता के लिए स्वतंत्रता, संपत्ति और सुख शांति का जीवन सुनिश्चित नहीं कर सका। समाज में जो आर्थिक असमानताएं हैं उनकी तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया। आजादी से पहले ये शख्स बोल रहा है दुनिया भर के डेमोक्रेटिक स्टेट्स को लेकर, और हम आज उस बात को महसूस कर रहे हैं बोलते हुए। कैसा लग रहा है? वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सा शख्स है जो इन बातों को उस समय समझ रहा है? आगे देखिए। इस संसदीय लोकतंत्र ने शहजोर को मौका दिया, यानी जो ताकतवर है उसको मौका दिया, वो कमजोर को ठगता रहा, गरीबों के विरुद्ध आर्थिक न्याय बढ़ता रहा। 43 में जिक्र हो रहा है, खुले तौर पर हो रहा है। जो पद दलित और संपत्तिहीन वर्ग थे उनके विरुद्ध वह आर्थिक अन्याय होता रहा। जहां सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र ना हो वहां राजनीतिक लोकतंत्र सफल हो ही नहीं सकता है। और इसके बाद उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर देने शुरू किए। कमाल की स्थिति है, इसका जिक्र क्यों नहीं हुआ पार्लियामेंट के भीतर में? और जो लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाकर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर पहुंचे उन्होंने जिक्र उन बातों का क्यों नहीं किया? हमने तीन मूर्ति की लाइब्रेरी में चीजों को परखने की कोशिश की। बड़ी लंबी बहस है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की और नेहरू की, तीन आने बनाम 16 आने की। समानता को लेकर किसी ने कोट बाबा साहब अंबेडकर को नहीं किया। सोशलिज्म पर चर्चा हो रही थी, भारत में समानता का जिक्र था, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं था कि बाबा साहब अंबेडकर किस बात को लेकर चिता रहे हैं पार्लियामेंट के भीतर। उन कोट्स की जिक्र आपको नहीं मिलेगा, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में भी आपको नहीं मिलेगा किसी पॉलिटिशियन ने इस बात का जिक्र 1956 के बाद पार्लियामेंट के भीतर किया हो, नहीं किया है साहब। क्या करेंगे आप? लोकतंत्र समानता का दूसरा नाम है। बाबा साहब अंबेडकर बाद में इसको कहते हैं, उससे पहले एक लाइन और कहते हैं, सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र वह रग रेशे हैं जो हमारे खून जिस धमनियों में दौड़ता है ना, वो रग रेशे हैं जिनसे राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित होता है। यह रग रेशे जितने मजबूत होंगे उतना ही शरीर मजबूत होता है। खुले तौर पे बतला रहे हैं, आपकी धमनियां कमजोर, शरीर खत्म। तो आपने जब सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की तरफ से आंखें मूंद ली हैं तो फिर किस डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का आप जिक्र कर रहे हैं? खुले तौर पर वो कहते हैं। और फिर कहते हैं लोकतंत्र समानता का दूसरा नाम है, संसदीय लोकतंत्र ने स्वतंत्रता के लिए बहुत उत्साह दिखाया लेकिन समानता के प्रश्न की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। स्वतंत्रता समानता को ही निगल गई। कमाल की स्थिति और कमाल की स्पीच है ये जो बाबा साहब अंबेडकर जिक्र कर रहे हैं। क्या हम इन बातों को दोहरा पाने की स्थिति में उस लोकतंत्र के मंदिर के भीतर भी नहीं है जहां संविधान की पूजा होती है और संविधान निर्माता के तौर पे बाबा साहब अंबेडकर की जयंती उस पार्लियामेंट के भीतर भी मनाई जाती है और पता नहीं क्या क्या किया जाता है? आपको जानकर हैरत होगी, जब लोकतंत्र के गोल्डन साल को मनाया जा रहा था जो 50 साल हुए, उस वक्त के जो भी भाषण थे उन भाषणों को पार्लियामेंट में एकजुट किया गया और पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में और जो तीन मूर्ति की लाइब्रेरी है उसमें रखा गया। हमने बड़ी कोशिश की, उसमें बाबा साहब ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर जो सवाल और जो खतरे और जो सावधानी का जिक्र किया था उसका कोई तो जिक्र करेगा। यहां किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी किसी ने जिक्र नहीं किया जबकि याद हर कोई बाबा साहब अंबेडकर को कर रहा था। ये कौन सी स्थिति है साहब? हम किस दिशा में चीजों को बदलना चाहते हैं या एक नए शब्दों को और नई परिभाषा को गढ़ना चाहते हैं, इसको आगे ले कौन जाएगा कि जिन बातों का जिक्र बाबा साहब अंबेडकर कर रहे थे उन बातों पर गौर करने की परिस्थिति में कोई क्यों नहीं आएगा? और राजनीतिक ताकत अगर वोट बैंक के जरिए बनती है और मिलती है तो वोट बैंक को ही निशाने पर लिया जाए, विचारों को लेने की क्या जरूरत है? वो वोट बैंक कल पॉलिटिकल ताकत के तौर पर उभर ना जाए, हमें तो इस दिशा में भी सोचना है और उस दिशा में सोचा जा रहा है इस देश के भीतर में।
लेकिन आप एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए, महापुरुषों को लेकर इस देश की बड़ी अगाध श्रद्धा रही है, कोई विरोध नहीं करता है। और बाबा साहब अंबेडकर इसका जिक्र भी अपने भाषणों में कर देते हैं कि यह देश में तो महापुरुषों को लेकर कभी कोई सवाल खड़े नहीं होते और उनके प्रति अगाध प्रेम दिखाया जाता है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे विचार जो हैं और मैं जिन बातों पर अपने अध्ययन के साथ, क्योंकि एजुकेशन को वो लगातार महत्व ना सिर्फ देते रहे बल्कि पहला और आखिरी हथियार एजुकेशन से ही जोड़ते रहे, उस एजुकेशन को हासिल करने के बाद जब आप समझ पाए कि मैं इन बातों का जिक्र क्यों कर रहा हूं, तब आप उसी रूप में खुद को खड़ा कर पाएंगे। अन्यथा एजुकेशन नहीं होगी तो आप मेरा नाम लेंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। इन बातों का जिक्र बाबा साहब अंबेडकर खुले तौर पर करते हैं। कोई व्यक्ति अपने ही बारे में बता रहा हो कि आप मुझे किस नजरिए से देखिए और वो नजरिया क्या होना चाहिए, ऐसी स्थिति किसी पॉलिटिकल नेता के साथ भारत में आई है कि हमें नहीं लगता है आई है हमारे दिमाग में? आप लोग के जहन में हो तो जरूर बताइएगा। वो व्यक्ति कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पर भी उंगली खड़ा करता है कि मजदूर सभा से काम नहीं चलेगा, पॉलिटिकल पार्टी बनानी होगी, शासन पर नियंत्रण पाना पहला लक्ष्य रखना होगा, राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 5 पेज 111 में खुले तौर पर चैलेंज। वो कॉल मार्क्स को भी कहते हैं और लेनिन को भी कहते हैं और गांधी को भी कहते हैं। सब जीते जी हो रहा है और उस दौर में हम लोग सब कोई देख रहे हैं क्या बोला जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, लेकिन हम ये कह नहीं पाते हैं कि अच्छा ये शब्द तो बाबा साहब अंबेडकर के थे, हम इससे क्यों घबराते हैं और क्यों कतराते हैं? और पार्लियामेंट के भीतर भी कतराते हैं, उनका नाम लेकर भी उनकी बातों का जिक्र करने से क्यों बच जाते हैं? और मौजूदा वक्त में अपनी राजनीतिक सत्ता, अपना वोट बैंक देखते हुए दलितों को किस तरीके से लुभाया जा सकता है और किस परिस्थिति में लाकर खड़ा किया जा सकता है, इसी दिशा में भारत के लोकतंत्र का मंदिर भी भाषणों के जरिए अगर जीना शुरू कर दे तो हम आप क्या करेंगे? महत्वपूर्ण बॉडी तो वही है सबसे बड़ी। पार्लियामेंट की जमीन को चूमने से काम नहीं चलेगा, संविधान को नतमस्तक होकर करने से काम नहीं चलेगा। उन बातों को अमल में लाइए जो बाबा साहब अंबेडकर ने पार्लियामेंट को लेकर कहा, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कहा, तब समझ में आएगा कि हाँ आप समझ पाए हैं इस देश को। क्योंकि इस देश को समझने की प्रक्रिया में जब आप आएंगे तो आपके जहन में आएगा महात्मा गांधी कांग्रेस की उस सभा को स्तब्ध कर देते हैं कि मैं अब इस देश को पहले जानूंगा, और वो घूमते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, जाना है, गांधी फिल्म भी बनी, हम लोग देखते हैं, लेकिन क्या कोई फिल्म बाबा साहब अंबेडकर पर ऐसी बन पाई? महात्मा गांधी जब भारत में घूमकर भारत के किसानों का जिक्र कर रहे हैं, वो शख्स भारत के किसानों के भविष्य को दिखला रहा है अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने भाषणों में, अपनी राइटिंग्स में, अपने स्कॉलर पेपर में, किसी ने जिक्र किया क्या? नहीं किया है। क्यों नहीं किया गया? क्या एक उस तरफ से आंखें मीच लेना था, बंद कर देना था, या घबराहट थी उस कमजोर तबके से जो कल कहीं मजबूत ना होकर खड़ा हो जाए, क्या ऐसी स्थिति थी? हो सकता है। अब तो हमारी राजनीतिक सत्ता बड़ी ताकतवर हो गई है। खंड 10 के पेज नंबर 37 पर उन्होंने एक जिक्र किया, संसदीय लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें जनता काम अपने मालिकों के लिए, जनता का काम अपने मालिकों के लिए वोट देना और उन्हें हुकूमत करने के लिए छोड़ देना है। अब आप सोचिए क्या हम लोग इससे हटकर हैं अभी? तो वो शख्स उस समय क्यों बोल रहा है जिस चीज को आज हम जीने को तैयार हैं और 75 बरस हो गए आजादी के बाद, वो तो उससे पहले बता रहा है कि ऐसी स्थिति इस देश में आने वाली है, हम तो छोड़ देंगे चुनने के बाद, जैसे मन चाहे हांकना है हांक लो। और किसी एक सत्ता का जिक्र नहीं है, ये एक पूरी कतार है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपको शामिल मिलेगी, क्योंकि इनको उस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को जिंदा रखना था जिस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को लेकर सवाल बाबा साहब अंबेडकर पार्लियामेंट के भीतर बाहर और सभाओं में उठाते रहे। ऐसी स्थिति भारत के भीतर में हमें नहीं लगता है कि किसी पॉलिटिशियन को लेकर कभी आपने सुनी होगी या कभी पढ़ी होगी या कभी सोचा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि
इतिहास को लेकर बार बार चर्चा होती है, कुछ वामपंथियों का इतिहास था, कुछ सोशलिस्टों का इतिहास था, मौजूदा वक्त में कहा जा रहा है ये राइटिस्ट का इतिहास है, आरएसएस का इतिहास है, भूल जाइए इसे। सच क्या है जो नंगी आंखों से दिखाई दे और जिसका प्रभाव आपके परिवार, समुदाय और आपके खुद पे पड़े, वही सच है। उस सच को अगर कोई 70 साल पहले कहने की स्थिति में आकर खड़ा है, तो अगर हम उसे पढ़ें और उसके बाद एक लंबा ब्लैंक आ जाए इस देश के भीतर में, 70 साल तक चुप रहो, चाहे महिलाओं का सवाल हो, चाहे किसानों का सवाल हो, चाहे इस देश में चलने वाली ट्रेड यूनियन का ही सवाल क्यों ना हो, इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए बैंकिंग सिचुएशन का सवाल क्यों ना हो, वो व्यक्ति बता रहा है अपने रिसर्च पेपर उसमें जिक्र कर रहा है और सारे संदर्भ इंडिया से जुड़े हुए हैं। एक सवाल हमने जिक्र किया था, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया है, वो हमसे हमारे बारे में जानना चाहते थे। हमने उनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब अंबेडकर के उस कमेंट को ही बता दिया, क्योंकि वहां एक सवाल उनसे पूछा गया, आप तो बहुत नीचे से उठकर ऊपर आए हैं, उस बड़ोदरा राजशाही ने जो भी स्कॉलरशिप दी थी, आप तो भारतीय समाज के भीतर में उस दौर के बारे में कुछ बताएं और अपने बारे में बताएं, परिवार इसके बारे में। उन्होंने लगभग हुंकार तो नहीं भरते थे, लेकिन बहुत ही कड़े शब्दों में कहा, सवाल ये नहीं है कि अतीत कैसा था, सवाल ये है कि भविष्य कैसा बनाना है। आप मेरे निजी अतीत पर मत जाइए, यह देखिए कि मैं भारत के बारे में क्या सोच रहा हूं और दुनिया को सचेत कर रहा हूं कि उसकी इकोनॉमी भी कैसे धराशायी होगी आने वाले वक्त में, जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मैं वह अपने बल के साथ जीना चाहता है, जहां कमजोर को और दबाना चाहता है। बोले इसकी कोई मतलब नहीं है, मैं कहां से आया हूं, क्या आया हूं, किस रूप में आया हूं, सवाल यह है आप इस देश को कैसा बनाना चाहते हैं, क्या इस देश को बनाने की दिशा में पार्लियामेंट का कोई भाषण आपको याद आता है। बड़े लंबे लंबे भाषण हुए इस देश के भीतर में, और जो नई पीढ़ी है उसके जहन में होना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी की जब 13 दिन की सरकार थी तो इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर उस दिन बहस हो रही थी, उन्होंने कहा था ठीक है मैं पार्टी छोड़ा हूं, तमाम नेताओं ने भाषण अपने अपने दिए थे, लेकिन किसी ने भी बाबा साहब अंबेडकर को कोट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर कहते थे, सरों को गिनने से पार्लियामेंट के भीतर डेमोक्रेसी नहीं आएगी, और भारत की डेमोक्रेसी सरों को गिनकर ही सत्ता तक पहुंच जाती है, अब आप क्या करोगे। गजब की स्थिति है। वो शख्स चिता रहा है, लेकिन उसको आप कोट करने की स्थिति में भी खड़े नहीं हो पाते हैं। अब आप सोचिए, हम लोग लगातार इसकी चर्चा करते रहे, जो 93 में वोरा कमेटी की रिपोर्ट भी आई, उससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो था। अब आप सोचिए कितने आसान शब्दों में बाबा साहब अंबेडकर चिता देते हैं कि देखिए आने वाले वक्त में अपराधी ही राजनीति को संभालने लगेंगे। राइटिंग एंड स्पीचेस का खंड 2 है, पेज नंबर 139 है। 1938 में आजादी से पहले पुलिस कानून संशोधन बिल बंबई की विधानसभा में लाया गया था, उसमें उनको बोलना था। उन्होंने कहा कि मैंने मजदूर बस्तियों में 22 वर्ष बिताए, वहां मवाली और जो दादा किस्म के लोग होते हैं जो गरीबों को सताते हैं, वो सताए हुए लोग पुलिस और कचहरी भी नहीं जा पाते हैं, उनका सहारा भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये मवाली और दादा का प्रभाव उन पर ज्यादा है। मौजूदा वक्त में क्या है, यही स्थिति है। कमजोर वह व्यक्ति कहां जाए FIR दर्ज कराने जाए, बड़ा मुश्किल है। FIR दर्ज हो जाए तो कार्रवाई होगी क्या? अगर सब चीज हो रही है तो फिर इस देश के भीतर में उत्पीड़न, गरीबों का या दलितों का, जो शब्द आपको देख इस्तेमाल करना है कीजिए, जो दबे कुचले लोग हैं उनका उत्पीड़न बढ़ता क्यों गया और बढ़ क्यों रहा है? कानून फेल है या कानून गायब है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हम सिर्फ शपथ ले रहे हैं, कौन सी परिस्थिति है? इन बातों का जिक्र बाबा साहब अंबेडकर उसी समय कर रहे हैं जब संविधान सभा की उसमें भाषण दे रहे हैं, तो खुले तौर पर वो ऐलानिया कर रहे हैं। उनकी एक अंग्रेजी में भी रचनावली है, वो बुद्ध और कार्ल मार्क्स तक को एनालिसिस करते हैं और बताना भी चाहते हैं, और कहते हैं कि धर्म का कार्य संसार के उद्भव की व्याख्या करना नहीं है,
बल्कि उसका पुनर्निर्माण और उसे सुखी बनाना है। धर्म के नाम पर क्या हो रहा है यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दर्शन का कार्य संसार के उद्भव की व्याख्या करते हुए समय नष्ट करना नहीं है, वरन उसका पुनर्निर्माण करना है। तो क्या बाबा साहब अंबेडकर जिस भारत को पुनर्निर्माण की दृष्टि से अपने पूरे कालखंड में देखते हुए आ रहे थे, इसीलिए वह पार्लियामेंट की उस सभा में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है तो खुले तौर पर कहने से नहीं कतराते हैं कि राजनीतिक अधिकार कागज पर रह जाएंगे यदि आर्थिक समानता स्थापित नहीं की गई। और इसीलिए वो गांधी हो चाहे नेहरू हो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी विचारधारा, चाहे केरल के उस समय के मुख्यमंत्री नमोदरी पादी क्यों ना हो, उन्होंने चैलेंज हर किसी को किया। ये होती है ताकत समझ की, यह होती है ताकत इंटेलेक्चुअलिज्म की, यह ताकत उस किताब की होती है जिसको इस दौर में धराशायी किया जा रहा है। बस सचेत रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।